महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में उन पर आजमगढ़ में FIR दर्ज की गई है। एक कार्यक्रम के समय आजमगढ़ शहर का नाम बदले जाने के सवाल पर अबू आजमी भड़क गए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, लेकिन सीएम पर हमले से खफा उनके समर्थकों ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। आपत्तिजनक कुछ टिप्पणी की गई है, जिसके आधार पर ही वादी ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। तो जो भी सबूत होगा, जो साक्ष्य होंगे, उसके आधार पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। यूपी के कई शहरों के नाम बदलने पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। आजमगढ़ का नाम इसलिए आजमगढ़ रखा गया था कि आजम शाह साहब ने आजमगढ़ को बसाया था, योगी के बाप ने नहीं बसाया था। आजम शाह के नाम को मिटाने का मतलब यह हुआ है कि योगी साहब बिल्कुल फेल हैं, कोई काम नहीं कर सकते। यूपी के मेरठ के सरदना से बीजेपी MLA संगीत सोम के संगठन संगीत सोम सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। संगीत सोम सेना से जुड़े कार्यकर्ता अपने साथियों से हुई मारपीट और लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, और इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए एरिया के पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उनके प्रदर्शन से वहां जैम लग गया, जिससे एक बुजुर्ग महिला काफी परेशान हो गई और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जमकर फटकार लगाई। कैसी राजनीति है तुम्हारी? अगर हमारे जैसे बुजुर्ग लोग दुखी हो रहे। थोड़ी देर में बुजुर्ग महिला ने नीचे बैठे लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें उठाना शुरू कर दिया, जिससे प्रदर्शन कर रहे संगीत सोम सेना के कार्यकर्ता झेप गए। पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, वो भी चुपचाप खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। हालांकि जल्द आरोपियों की अरेस्ट न होने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आंदोलन करने की वार्निंग दी। ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो अभी इससे बड़ा भी प्रदर्शन हम सरदना में करेंगे, अगर प्रशासन इसमें दूसरी गिरफ्तारी नहीं करता है। प्रदर्शन के दौरान संगीत सोम सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस के समझाने पर कुछ देर बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। मध्य प्रदेश में महिला उम्मीदवारों पर विवादित बयान देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ घिर गए। कमलनाथ से महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी पर सवाल पूछा गया था, जिस पर पार्टी का बचाव करते हुए उन्होंने अटपटा जवाब दे दिया। हमने महिलाओं को, जो जीतने वाली महिलाएं थी, उनको टिकट दिया, केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। कमलनाथ ने महिला उम्मीदवारों से जुड़े सवाल पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उनके लफ्ज पकड़ लिए। चुनावी माहौल में कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला करने में बीजेपी ने देर नहीं की। कांग्रेस की विकृत, नीच और घृणित मानसिकता है बहनों के प्रति, जहां उनकी दृष्टि में बहनें सम्मानजनक रूप में देखी ही नहीं जाती। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस और कमलनाथ से माफी की मांग की। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां चुनाव में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की बात करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें टिकट देने के मामले में दोनों पार्टियों का रुख एक जैसा दिखा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 25 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने 27 महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राम मंदिर मुद्दे को सुलह के जरिए सुलझाने के लिए इस मामले में एक पक्षकार हाजी महमूद ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के प्रयासों का समर्थन किया, लेकिन इसी मामले में दूसरे पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुलह के फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि राम मंदिर केस में हाजी महबूब अहमद ने सुलह समझौते के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस मामले में पहले ही सुलह समझौते की कोशिश कर चुके श्री श्री रविशंकर के प्रयासों को सपोर्ट किया। हालांकि पिटिशनर हाजी महबूब ने दावा किया कि मस्जिद की जमीन को छोड़कर राम मंदिर बने। अगर ये पहल अगर गुरुदेव जी ने कर रहे हैं, तो अगर वो सही तरीके सही निर्देश से काम करेंगे, तो मैं सब उनके मुसलमानों के साथ सही मानने में काम होता है, तो सब लोग साथ रह के इस मसले को हल हो जाए। तो वहीं इस मामले में दूसरे पिटिशनर इकबाल अंसारी ने सुलह समझौते की इन कोशिशों को खारिज कर दिया। रविशंकर जी का जो ग्रुप है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, न हाजी महबूब से कोई मतलब है, न इन लोगों के बात करने से कोई मसला हल होने वाला है और न होगा। इकबाल अंसारी उन हाशिम अंसारी के बेटे हैं जो इस मामले के सबसे पहले पक्षकार थे, और श्री श्री रविशंकर अपने अयोध्या दौरे में इकबाल अंसारी के घर भी गए थे, लेकिन अब उनका दावा है कि उन्होंने अयोध्या मुद्दे को लेकर दूसरी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इस मामले को सुलझाने के लिए अयोध्या के साधु संतों से ही उनकी बातचीत हो रही, लेकिन इस मामले को लेकर जारी सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर राम मंदिर मसले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर वार किया। 4.5 साल सत्ता भोगी, मंदिर का जिक्र नहीं किया, आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो मंदिर चिल्ला रहे। सुलह समझौते की ये कोशिशें तब शुरू हुई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।
लेकिन इसी बीच अयोध्या में जल्द राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी ने 25 नवंबर को संतों की धर्मसभा बुलाई है। इस सिलसिले में वीएचपी ने अयोध्या में भूमि पूजन भी किया, जिसमें वीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय, सेंटर में मिनिस्टर राजेंद्र सिंह पंकज, बीजेपी के एमपी लल्लू सिंह और दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास भी शामिल हुए और मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के दौरान सेंटर में मिनिस्टर राजेंद्र सिंह पंकज भी फावड़े से मिट्टी निकालकर उसे सिर पर रखकर ले जाते हुए दिखे। तो वहीं लल्लू सिंह और महंत सुरेश दास ने नारियल फोड़कर पूजा की। साथ ही भूमि पूजन में शामिल हुए बाकी लोगों ने भी विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद वीएचपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए आंखें तीखे तेवर दिखाए। वीएचपी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के मुद्दे को सोची समझी साजिश के तहत लंबा खींचा जा रहा है और अपोजिशन पर कोर्ट में चतुराई से राम मंदिर के मुद्दे पर पेच फंसाने का आरोप लगाया। अदालत में तो उनकी चालाकी चली ना, कपिल सिब्बल वकील भी हैं, नेता भी हैं, वहाँ तो कोई और जाएगा नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी कुछ नहीं। वहीं लल्लू सिंह ने भी राम मंदिर के मुद्दे को हिंदुओं की भावना से जोड़ते हुए कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की मांग की। जितने भी प्रभु श्री राम भक्त हैं सबकी न्यायालय जल्दी करे, शीघ्र इसका निर्णय करे, जिससे भव्य राम का मंदिर बन सके। साथ ही वीएचपी ने दावा किया कि अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली धर्म सभा में 1,00,000 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद वीएचपी राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में 500 सभाएं करेगी। तो वहीं राम मंदिर मुद्दे को लेकर जारी सियासत के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 24 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं। इससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इसी कड़ी में अब स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष नारायण राणे भी कूद पड़े, जो इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हाशिए पर हैं और बाला साहब ठाकरे के दौर में ही उद्धव ठाकरे से टकराव के बाद उन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी। नारायण राणे ने मंदिर मुद्दे पर बीजेपी के साथ शिवसेना को भी टारगेट किया। राम मंदिर तो वहीं फिर से राज्य में अपनी पॉलिटिकल जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने अयोध्या दौरे की तैयारी कर रही शिवसेना को आड़े हाथ लिया। शिवसेना जब ईंटें या पत्थर जमा करती है तो उस किस कैकेल इस्तेमाल करेंगी ये कोई बोल नहीं सकते। क्या लोगों को पीटने के लिए इस्तेमाल करेगी या काम में इस्तेमाल आने वाले वक्त ही बताएगा। हालांकि विरोधियों के इस अटैक के बीच शिवसेना के निशाने पर बीजेपी है। ये कानून बने राम मंदिर के लिए, एक अध्यादेश लेकर आई है राम मंदिर के लिए, क्योंकि हमारे पास अब राज्य में और केंद्र में बीजेपी का पूरा बहुमत है। शिवसेना ने ऐलान किया कि कानून के अलावा राम मंदिर निर्माण का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छठ पूजा के आखिरी दिन दिल्ली एनसीआर में घाटों पर भीड़ उमड़ी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद में अलग अलग घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ का महापर्व मनाया। यूपी के झांसी में एक आदमी पर आरोप लगा कि उसने पेड़ काटने के विवाद में अपने ही चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। राजस्थान में उम्मीदवारों के नामांकन के दूसरे दिन बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा, लेकिन आरोप है कि दो लोगों ने शुभ अशुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़कर कांग्रेस की सूची जारी हुए बिना ही कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन भर दिया। मीटू कैंपेन के तहत आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगने के बाद सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने वाहन चेकिंग के समय 200 पेटी अवैध शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर एक वीडियो शेयर कर लोगों से खेलों में महिला की भागीदारी का समर्थन करने की अपील की। मध्य प्रदेश की बैतूल में विकास न होने का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति के युवाओं ने जगह जगह पोस्टर चिपकाकर बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव में बहिष्कार करने की घोषणा की। ओडिशा के ढेनकनल में बियर फैक्ट्री के लिए पेड़ों के काटे जाने का विरोध करते हुए पेड़ से चिपक कर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की बड़वानी में विधायक रमेश पटेल को दोबारा टिकट दिए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने अपने 138 समर्थकों और पदाधिकारियों के साथ पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। यूपी के हरदोई में बीजेपी जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र ने एक बुजुर्ग महिला की शिकायत न सुनने के आरोप में एसएचओ को विधायक के सामने ही कड़ी फटकार लगा दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद से पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि छठ पूजा से लौटते वक्त खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन रीना भाटी के समर्थकों ने उन पर पथराव कर दिया। यूपी के बागपत में बालनी थाने में तैनात एक दारोगा पर एक लड़के ने चालान के बदले रिश्वत मांगने और पैसे नहीं देने पर काली गलौज करने का आरोप लगाया। यूपी के मिर्जापुर में एक सड़क पर जुटे कुछ लोगों के बीच एक व्यक्ति की हाथ में AK-47 राइफल लिए एक पुलिस वाले से झड़प हो गई। इस शख्स ने मामूली विवाद की शिकायत पर वहां पहुंचे पुलिस वाले पर उसे थप्पड़ मारने का आरोप लगाया।
जिसके बाद उसने इस पुलिस वाले को उस पर हाथ नहीं उठाने की धमकी देते हुए ठीक तरह से पेश आने की चेतावनी दी। गुस्साए शख्स ने पुलिस वाले के हाथ में मौजूद AK-47 को अपने सीने पर रखकर गोली चलाने की हिम्मत दिखाने का चैलेंज भी दिया। इस व्यक्ति के साथ वहां मौजूद लोगों ने भी पुलिस वाले को घेर लिया और उन पर दबाव बनाकर माफी मंगवाई। झड़प के बाद पुलिस ने शख्स के खिलाफ पुलिस वाले के साथ बदसलूकी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया और चौकी प्रभारी और उनके हमराही पे जो हमला हुआ था इसके संबंध में मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जबकि माफी मंगवाने के बाद लोगों ने पुलिस वाले को वहां से जाने दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के सामने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोटबंदी के 2 साल पूरे होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और ऐसा ही एक प्रदर्शन कानपुर में भी हुआ जहां कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी की एक दिखावटी शव यात्रा निकालकर गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। कंधे पर दिखावटी अर्थी लेकर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर चिता बनाकर उसमें आग लगा दी और नोटबंदी को देश के इतिहास का काला दिन बताया। उस काले पन्ने को, उस काले इतिहास को, उस काले दिन को याद करके नोटबंदी की दूसरी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इससे पहले नोटबंदी पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने RBI ऑफिस को घेरने की भी कोशिश की और हाथ में झंडे और तख्तियां लेकर RBI दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद ये कार्यकर्ता RBI ऑफिस के बाहर ही जमीन पर बैठ गए और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब तो ये स्पष्ट है, गली गली में सो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए RBI ऑफिस के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जिससे RBI ऑफिस को घेरने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी RBI ऑफिस से निकलकर सड़क पर उतरे और हाथों में पोस्टर लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने नोटबंदी को जनता के साथ धोखा करार दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में PM मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान के मुखौटों के साथ 2 लोग BJP उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार का ये तरीका असरदार साबित हो रहा है क्योंकि इनके पास भीड़ जमा होने में देर नहीं लगती। PM और CM के मुखौटों के साथ ये लोग जब प्रचार के लिए निकले तो इनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। इस बीच BJP कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते बना। BJP उम्मीदवार महेंद्र हाडिया मुस्लिम समुदाय की एक बस्ती में प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां भी लोगों की नजर इन मुखौटों पर टिकी रही। प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उनका मुखौटा लगा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब भी ये दोनों मेरे साथ होते हैं तो मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। इंदौर में BJP उम्मीदवार को PM और CM की लोकप्रियता के बूते जीत का भरोसा है। वहीं मतदाताओं को भी प्रचार का ये नायाब तरीका पसंद आ रहा है। उनके साथ में जैसे मोदी जी और शिवराज जी चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोगों को देखने में। इंदौर के चुनाव प्रचार में PM और CM के मुखौटों की खूब चर्चा है। इसके अलावा BJP बच्चों में भी मुखौटे बंटवा रही है। परिवार कोई भी हो अपने बच्चों को हथियारों से दूर ही रखना पसंद करता है, लेकिन दिल्ली के पास नोएडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी अपने पूरे परिवार को गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। यहां तक कि ट्रेनिंग लेने वालों में केवल बच्चे ही नहीं महिलाएं भी शामिल हैं। गोली चलाने की ट्रेनिंग देने वाले का नाम मनोज जैन है। वीडियो में मनोज जैन घर की छत पर एक चारपाई पर इत्मीनान से बैठा दिखा। वीडियो घर का ही एक सदस्य रिकॉर्ड कर रहा था। सर्दी से बचने के लिए एक शॉल, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में पिस्टल। अचानक मनोज ने पिस्टल हवा में तानकर एक गोली चला दी। अगले ही पल मनोज ने बेटे को भी गोली चलाने के लिए बुला लिया। बेटे ने भी अच्छे शागिर्द की तरह बिना डरे गोली दाग दी। अब नंबर दूसरे बेटे का था, मनोज उसे भी मौका देने में नहीं झिझका। और छोटा बेटा तो बड़े से भी तेज निकला, बिना किसी नसीहत के एक हाथ से बिना डरे गोली चला दी और पूरा परिवार चहक उठा। लेकिन मनोज की ट्रेनिंग क्लास यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि मनोज ने इसके बाद अपनी ट्रेनिंग में घर की महिलाओं को भी शामिल कर लिया, लेकिन मोबाइल की रिकॉर्डिंग फिर भी नहीं रुकी। और कलाइयों में सोने के कंगन पहने नीले सूट वाली एक महिला सामने आ गई। पूरा परिवार एक साथ महिला को गोली चलाने की टिप्स देने लगा। ऊपर 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 और ऊपर। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह महिला ने पिस्टल आसमान की तरफ तानकर पूरे भरोसे से गोली चला दी और पूरी फैमिली उनकी हौसला अफजाई करने लगी।
अरे भाई ये। लेकिन ट्रेनिंग क्लास तो इतने पर भी खत्म नहीं हुई। घर की एक और लड़की मनोज से पिस्टल लेने आ गई। लड़की ने दोनों हाथों से पिस्टल पकड़ी और बिना डरे गोली चला दी। जहाँ ये ट्रेनिंग क्लास चल रही थी वो एक रिहायशी एरिया है, आसपास भी लोग रहते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मनोज अक्सर इस तरह की गोलीबारी मोहल्ले के लोगों में दहशत पैदा करने के लिए करता था, और घर में इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फैलाया भी इसलिए गया ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके। इसलिए एक वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। नोएडा पुलिस ने वीडियो में दिख रहे कारोबारी की पहचान कर ली और मामले की जांच में जुट गई। मनोज जैन का नाम इसमें सामने आया है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई। मनोज जैन नोएडा के हरोला गांव में ही प्लास्टिक के डोने का कारोबार करता है। जिस पिस्टल से उसकी पूरी फैमिली गोलियां चलाती दिखी, मनोज के पास उसका लाइसेंस है, लेकिन अब उसका हथियार का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अलावा जो शस्त्र लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण के लिए भी रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कब का है ये अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इस तरह की गोलीबारी की आवाजें मनोज के घर से उसके पड़ोसी अक्सर सुनते रहते हैं। जबकि आर्म्स एक्ट इसकी इजाजत कतई नहीं देता। 1959 में बना आर्म्स एक्ट साफ कहता है कि इस तरह के हथियार का इस्तेमाल केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। हथियार का इस्तेमाल किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक जिस आदमी के नाम पर हथियार का लाइसेंस है, हथियार केवल उसी के पास होना चाहिए। इतना ही नहीं, गोलियां रखने की भी एक सीमा है। जितनी गोली खरीदी जाती हैं वो लाइसेंस पर ही दर्ज कर दी जाती हैं। ऐसा इसलिए है ताकि जरूरत पड़ने पर हथियार रखने वाले व्यक्ति से हर गोली का हिसाब मांगा जा सके। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में वीरा देसाई रोड की एक 21 मंजिला इमारत में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आग कदम नाम की सोसाइटी की 10वीं और 11वीं मंजिल पर लगी। इमारत के एक फ्लैट में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि फ्लैट के एक कमरे से दो लोगों के जले हुए शव मिले। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का दावा किया। जिस फ्लैट में आग लगी उसमें पूजा का सामान भी मिलने का दावा किया गया। हालांकि आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। 35 से 40 साल का उम्र के आदमी को, एक महिला और एक 10 साल की लड़की को हमने सेफली बचाया, और दो जन थे वो 20 साल के अराउंड, एक लड़का और एक छोटा लड़का, ऐसे जो हॉल में थे उनको हमने बाहर निकाल के एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल भेज दिया है। शबरीमला मंदिर से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। केरल के शबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को मिली एंट्री की इजाजत के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल करीब 5 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा क्षेत्र में न जाने की सलाह देने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि शिवराज को भी उनकी पत्नी साधना सिंह की तरह लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। श्रीनगर में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पकड़े गए कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक छात्र को रिहा करने की मांग कर रहे कुछ छात्रों पर वीसी को उनके दफ्तर में बंधक बनाने का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर 3 बार चिट्ठी लिखने के बावजूद राज्य में अगले महीने होने वाली रथ यात्रा की इजाजत न देने का आरोप लगाया। गुरमीत राम रहीम को एक धार्मिक मामले में माफी दिलवाने के आरोपों में घिरे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने एसआईटी के समन के बाद मुंबई में अक्षय कुमार के घर पर राम रहीम से किसी भी मुलाकात से इनकार कर दिया। मुंबई में वन विभाग ने एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 290 से ज्यादा कछुओं को बरामद करने का दावा किया। यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज और फैजाबाद मंडल का नाम अयोध्या करने समेत कई दूसरे प्रस्ताव पास कर दिए। हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के बजाय एक कर्मचारी पर मरीज को टांके लगाने का आरोप लगा, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जल्द डॉक्टरों की कमी पूरी करने का भरोसा दिया। जहाँ तक डॉक्टर्स का विषय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है वो ज्यादा है, अभी डॉक्टर्स कम उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान एरन फिंच ने टीम के खराब प्रदर्शन के बाद भारत के साथ इसी महीने होने वाली सीरीज के लिए अपने खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस सुधारने की सलाह दी। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने पत्नी सानिया मिर्जा और अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए यूएई में आयोजित T10 लीग में नहीं खेलने का फैसला लिया।
बड़ी हस्तियों के यौन शोषण के खिलाफ शुरू हुए अभियान के तहत बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी पर लगे आरोपों को लेकर विनोद राय समेत बोर्ड के दूसरे अधिकारियों ने 3 सदस्यों की एक जांच समिति के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के योगदान का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी शशि थरूर की एक किताब के लॉन्च किए जाने के समारोह में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने देश के पहले पीएम की खूबियों का जिक्र किया। सोनिया गांधी ने दावा किया कि पंडित नेहरू ने देश में लोकतंत्र को मजबूत किया, लेकिन लगे हाथ आरोप लगाए कि मौजूदा सरकार में नेहरू की विरासत को चुनौती दी जा रही है। यूपीए चेयरपर्सन यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इशारों में सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप भी मढ़ा। पंडित नेहरू की विरासत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार तनातनी रही है, इसलिए शशि थरूर ने भी जहां नेहरू की जमकर तारीफ की, वहीं इसी बहाने सरकार और पीएम को भी घेर लिया। शशि थरूर ने दावा किया कि देश के पहले पीएम का जोर व्यक्ति विशेष की बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास पर रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सरकारी जगहों पर आरएसएस की शाखाएं बैन करने की बात पर उठा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने आरएसएस को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी और आरएसएस के आतंकी संगठन होने का दावा कर दिया। इनके शाखाओं में हिंदुस्तान, इस देश का झंडा कभी नहीं गड़ा और यह सब आतंकवाद के प्रतीक है। इस विवाद के उठने के बाद कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए दलील दी कि सरकारी इमारतों में आरएसएस की शाखाएं नहीं होने का नियम उमा भारती और बाबूलाल गौर की सरकारों के समय से लागू था और कांग्रेस ने सिर्फ उस नियम को दोबारा लागू करने की बात कही है, जिसके बाद कांग्रेस एमएलए के फिर आए बयान से कमलनाथ ने किनारा कर लिया। उनको कहें कि ऐसी संस्था है, मैं ये सब बात नहीं मानता। अगर ऐसी संस्था होती तो हम प्रतिबंध लगाने की बात करते। हालांकि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस सरकारें आरएसएस पर 3 बार बैन लगा चुकी हैं। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने अल्पेश ठाकुर को चुनौती दी कि छठ पूजा भी कर ले तो भी उनकी छवि नहीं सुधर सकती है। कि बिहार गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले विजय रूपानी जी मुख्यमंत्री हैं और कोई माइक का लाल, चाहे वो बिहार के लोग या गुजरात के लोग हों, देश के किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर काम करने का किसी को अधिकार है। वहीं कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने सुशील मोदी के बयान पर निराशा जताई, उन पर लोगों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस तरह की कटु बातें, इस तरह की जहर फैलाने की बातें मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जिस तरह से गुजरात बिहारियों का है, इस तरह से बिहार भी गुजरातियों का है। ये वो बिहार और गुजरात के नाता जो है, प्यार का नाता। देश में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों के बीच एक अच्छी खबर है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में 6 महीने तक सर्वे करने के बाद दावा किया कि मिलावटी दूध से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में बिकने वाला दूध पूरी तरह सुरक्षित है। इस दावे से पहले FSSAI ने देश के अलग अलग हिस्सों से दूध के 6,432 सैंपल जुटाए, जिनमें 3,825 सैंपल कच्चे दूध के थे। कच्चा दूध वो दूध होता है जो गाय या भैंस से निकाले जाने के बाद सीधा ग्राहक तक पहुंचता है। वहीं 2,607 सैंपल प्रोसेस्ड दूध के थे, यानी वो दूध जिसकी डेयरी में प्रोसेसिंग करने के बाद उसको बेचा जाता है। FSSAI का दावा है कि इनमें सिर्फ 12 सैंपल ही फेल हुए। हालांकि FSSAI ने फेल होने वाले 12 सैंपल के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सेफ्टी के इश्यूज हैं, एंटीबायोटिक का इशू है या एफ्लाटॉक्सिन का इशू है, ये सब स्टेट में बराबर नहीं पाए गए। मैं इतना ही आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। कुछ स्टेट्स में, 4-5 स्टेट्स में और अलग अलग स्टेट्स हैं, कहीं पर कोई समस्या पाई गई है, कहीं कोई समस्या पाई गई है। राफेल सौदे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में फ्रांस के साथ राफेल डील पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही केंद्र सरकार ने इस सौदे से जुड़ी जानकारी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी। हालांकि सीलबंद लिफाफे में सरकार ने राफेल विमान की कीमत के बारे में कोई जानकारी दी या नहीं, ये साफ नहीं है। पिछली सुनवाई में सरकार ने दावा किया कि 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सभी जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। इस बीच दसों कंपनी के सीईओ ने भी एक इंटरव्यू में राफेल सौदे पर लग रहे गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस का सरकार पर हमला जारी है।
और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी चोरी मान ली है। I can't believe this, that as a nation we are in conversation with people who are working for a French company. राफेल डील पर कांग्रेस की ओर से हो रहे हमलों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि यूपीए की वजह से राफेल खरीद में देरी हुई, जो कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी था। क्या राहुल गांधी की राजनीति में नाकामी उन्हें भारत की संवेदनशील रक्षा जरूरतों को लेकर विवाद खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है? पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित एक छठ पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी की ओर से छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में सावरकर पर टिप्पणी करने से खफा सावरकर के नाती रंजीत सावरकर ने मुंबई पुलिस में शिकायत की। यूपी के आगरा में एक बंदर ने एक बच्चे को घर से उठाकर फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के फैसले को पलटते हुए चुनाव की तैयारियों पर भी रोक लगा दी। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के एक मामले में एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जगह मौजूदा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के चंडीगढ़ में सरकारी आवास पर समन भेज दिए। यूपी के ललितपुर में अपनी 3 लड़कियों की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नरेला में रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेशनल हेरल्ड मामले में हेरल्ड हाउस की लीज खत्म करने और उसे खाली करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। राजस्थान के नागौर में एक कृषि मंडी में बने एक गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड की टिहरी में यात्रियों को लेकर जा रही एक गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद खाई में गिरे लोगों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बताया गया कि हादसे का शिकार हुए लोग देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फ्रांस के साथ रफाल विमानों के खरीद पर मचे सियासी घमासान के बीच उनको बनाने वाली कंपनी दसॉ फिर सामने आई। दसॉ के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने रफाल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का एक एक कर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने राहुल के अनिल अंबानी की कंपनी को मोदी गवर्नमेंट की तरफ से फायदा पहुंचाने के आरोप को बेबुनियाद बताया। एरिक ट्रैपियर ने साफ किया कि अनिल अंबानी की कंपनी को पार्टनर बनाने का फैसला फ्रेंच कंपनी दसॉ का ही था। दसॉ के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने राहुल गांधी की तरफ से उन पर दसॉ और अनिल अंबानी की कंपनी के बीच हुए समझौते को लेकर झूठ बोलने के आरोप पर भी दुख जताया। एवरीथिंग आई डिक्लेयर बिफोर, ऑल द स्टेटमेंट आई मेड आर द ट्रूथ। आई कैन कंफर्म टू यू टुडे एंड आई डोंट हैव द रेपुटेशन टू लाई, एंड व्हेन यू आर इन माय पोजीशन एज अ सीईओ यू डोंट लाई। राफेल प्लेन बनाने वाली कंपनी दसॉ के सीईओ ने कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की तरफ से अनिल अंबानी की कंपनी में 284 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के आरोपों को भी खारिज कर दिया। यही नहीं, दसॉ के सीईओ ने कांग्रेस की तरफ से राफेल विमानों को 3 गुना कीमत पर खरीदने के आरोपों पर भी एतराज जताया। एरिक ट्रैपियर ने दावा किया कि भारत और फ्रांस सरकार के समझौते की वजह से उनकी कंपनी को राफेल विमान कम कीमत पर देने पड़े, जिसके लिए उनको राफेल फाइटर प्लेन की कीमत 9% तक घटानी पड़ी। It was a G2G government. There were some negotiations, and then I had to decrease the price of 9%. दसॉ ने नेहरू के दौर से कांग्रेस की सरकारों के साथ भी रक्षा सौदों में लंबा अनुभव होने का दावा किया। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदने की डील से जुड़ी जानकारी सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। हालांकि दसॉ के सीईओ एरिक ट्रैपियर के जवाब के बाद भी राफेल डील पर मचा सियासी घमासान नहीं थमा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल डील के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से इस डील से जुड़ी जानकारी देने वाली घटना का सहारा लिया। ट्विटर पर राहुल गांधी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने मानी अपनी चोरी। हलफनामे में माना कि उन्होंने बिना वायुसेना से पूछे कॉन्ट्रैक्ट बदला और 30,000 करोड़ रुपया अंबानी की जेब में डाला। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी मोर्चा संभाला।
उन्होंने राफेल फाइटर प्लेन डील में सीईओ एरिक ट्रैपियर के दावों को खारिज कर दिया। द पीआर स्टंट दैट एरिक ट्रैपियर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर डूइंग विल नॉट कवर अप द लेयर्स ऑफ करप्शन इन द राफेल डील। कांग्रेस प्रवक्ता ने दसॉ के सीईओ एरिक ट्रैपियर पर राफेल विमानों की खरीद को लेकर हुए रक्षा समझौते पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राफेल डील पर चल रही सियासी बयानबाजी में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी सामने आई, जो पहले ही इस मामले को लेकर अदालत जा चुकी है। उसने भी दसॉ पर मोदी सरकार को बचाने का आरोप लगाया और इस बहाने भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील की जांच की मांग रख दी। आज डेजॉल्ट का सीईओ अपने बचाव में क्या कह रहा है वो मायने नहीं, इसकी जब पूरी गहनता के साथ जांच होगी तब पूरा सच सामने आ पाएगा। लेकिन ऑपोजिशन के अटैक के बावजूद बीजेपी ने मजबूती से मोर्चा संभाला। उसके नेताओं ने राहुल गांधी पर इस डील को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी जी का दलासाई हुआ है। इतना झूठ बोलने के बाद जो व्यक्ति फिर भी झूठ कहता है उसको निर्लज कहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे करप्शन का आरोप लगाने के लिए माफी की भी मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली मनाई। उन्होंने दिवाली के अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक बताया और सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। इस मौके पर उन्होंने भारत को अमेरिका का अहम सहयोगी बताया और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया। As we light the dia in the White House and we join in the fellowship with all of those who light lamps in their own homes, cities and places of worship. अमेरिका के मिशिगन में एक महिला ने नशे की हालत में अपनी कार उल्टी दौड़ा दी, जो बेकाबू होकर एक वाइन शॉप में घुस गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार तेज रफ्तार में, जिसे वाइन शॉप में काम करने वाले एक कर्मचारी ने दूर से ही देख लिया था। उसने बेकाबू कार को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख खुद को बचाने की भी कोशिश की और तेजी से वाइन शॉप के अंदर भागा, लेकिन तभी कार भी उसके नजदीक पहुंच गई। कार पीछे की तरफ दौड़ रही थी, जिसकी वजह से उसे चला रही महिला का भी संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते कार वाइन शॉप का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। और जो कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वो हवा में उछलते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। हादसे के बाद कार चला रही महिला भी नीचे उतर आई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और दावा किया कि वो नशे की हालत में थी। ये जानकारी भी दी गई कि आरोपी महिला ने इससे पहले भी इस तरह के हादसे को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा था और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया था। यूपी के मिर्जापुर में वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने एक चट्टान के बीच दरार में बैठे अजगर को पकड़ लिया। बताया गया कि 10 फीट लंबा ये अजगर एक हफ्ते से चट्टान में छिप कर बैठा था और कई जानवरों पर हमला कर चुका था, जिसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची। चट्टान के बीच दरार में छिपे इस अजगर को वन विभाग के एक वर्कर ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ से पकड़ा और झटके से बाहर की ओर फेंक दिया, जहां पहले से पूरे इंतजामों के साथ टीम के बाकी साथी खड़े थे। अजगर को बाहर की ओर फेंकने के बाद वहां मौजूद वन विभाग के सभी कर्मचारियों ने दो डंडों की मदद से उसे बोरे में डालने की कोशिश की। वन विभाग के कर्मचारी अजगर को डंडे से दबाकर धीरे धीरे बोरे में डालते दिखाई दिए। काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में कामयाबी मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ने का दावा किया। एहतियात के साथ उसको पकड़ करके और घने जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया है। अजगर को पकड़ने के समय उस इलाके में रहने वाले लोग वहां जमा हो गए, जिन्होंने उसके पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली। राजस्थान में टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस पार्टी में बवाल शुरू हो गया और जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रामेश्वर डूडी फुलेरा विधानसभा सीट से पैराशूट दावेदार यानी बाहरी उम्मीदवार स्पर्धा चौधरी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, जबकि इस सीट पर दावा डॉक्टर हरि सिंह का है और इसीलिए उनके समर्थकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर रामेश्वर डूडी के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस बीच एक कार्यकर्ता सिर पर काली पट्टी बांधे हुए दिखा, जिसने पहले बैनर फाड़ने की कोशिश की और फिर बैनर पर पैर से मारने लगा। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिसमें पैराशूट दावेदार को टिकट नहीं देने की मांग की गई। साथ ही विरोध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि अगर फुलेरा विधानसभा सीट से पैराशूट दावेदार को टिकट मिला तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय जाट महासभा ने एक प्रेस रिलीज जारी करके रामेश्वर डूडी का समर्थन किया। उधर राजस्थान बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में जबरदस्त नाराजगी, क्योंकि नागौर सीट से मौजूदा मुस्लिम विधायक हबीबुर रहमान का टिकट काट दिया गया।
जिसके बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस नाराजगी का इजहार करते हुए पीएम और बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को चिट्ठी लिखी। दावा किया जा रहा है कि इस चिट्ठी में टिकट बंटवारे के लिए यूपी और गुजरात मॉडल लागू नहीं करने की मांग की गई। पहली लिस्ट जब जारी हो रही है तो उसमें 131 में मुस्लिम समाज के किसी एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं है, तो जो हमारा दर्द था वो हमने हमारा दर्द पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखा। एमएलए हबीबुर रहमान और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की नाराजगी पर सफाई देते हुए पार्टी ने दावा किया कि वो जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाती। अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज, ये भेद हम नहीं करते। हालांकि पार्टी की इस सफाई से पहले ही टिकट कटने से नाराज नागौर से 5 बार के एमएलए हबीबुर रहमान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। और अब खबर है कि वो एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी छोड़ चुके हबीबुर रहमान को कांग्रेस नागौर सीट से ही टिकट देगी, जहां से वो अभी मौजूदा विधायक हैं। न्यूज 18 से बातचीत में भी एमएलए हबीबुर रहमान ने टिकट कटने पर बीजेपी आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जताई। हबीबुर रहमान, हमें बताया गया है कि आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 10 साल में नागौर का भी विकास किया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत किया, और उसके बाद कोई कारण नहीं और टिकट काट दिए, इसलिए कार्यकर्ता नाराज हैं, जनता नाराज है। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगाया। अपने लोग उनको आईना दिखा रहे हैं और उनका असली चेहरा देश को दिखाना चाह रहे हैं। यही राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, देश को तोड़ने वाली राजनीति। हालांकि अभी बीजेपी की 69 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 2013 में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें 2 उम्मीदवार हबीबुर रहमान और यूनुस खान को जीत मिली थी, जबकि 2 उम्मीदवार मामूली अंतर से हारे थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 2 विधायकों की जीत को बड़ी कामयाबी बताया था और उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने इस बार पार्टी से 14 मुसलमानों के लिए टिकट मांगे थे, लेकिन पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। बिहार में एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। बिहार के मुंगेर में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। असम के गुवाहाटी में खिलौने में अचानक धमाका होने से एक बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद खिलौना फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में जुहू बीच पर छठ पूजा में शामिल हुए। मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने 3 सदस्यों वाले जांच दल के सामने अपना पक्ष रखा। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रांत से बीजेपी विधायक महेंद्र हाडिया पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह के बूथ और मखौटे को साथ लेकर चुनाव प्रचार करते दिखे, वहीं लोगों को भी प्रचार का ये अंदाज खूब भाया। तेलंगाना में कांग्रेस के 2 परिवारों के 2-2 सदस्यों को टिकट देने के बाद बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चिकलथाना एयरपोर्ट पर 2 लोगों को 3 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के मिसाइल बेस कैंप में जारी गतिविधियों के सामान्य होने का दावा किया। यूपी के मुरादाबाद में स्थानीय लोगों ने मिलकर 11 नाथ और बेसहारा लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया। पंजाब के गुरदासपुर में गांव के 9 बच्चे खेलने के समय अनजाने में जहरीला फल खाने से बीमार हो गए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार का पहिया चुराने वाले गिरोह से वहां रहने वाले लोग परेशान। इलाके के लोगों का आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर चोर कई गाड़ियों के पहिए चुरा ले गए, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के पास एक सफेद रंग की कार आकर खड़ी हो गई। उससे एक आदमी निकला और एक लंबी कार के आगे जाकर पहिया निकालने लगा। थोड़ी देर में ही उस आदमी ने पहिया निकाल लिया और अपनी कार में रख दिया। इसके बाद वो आदमी फिर उस कार के पास गया और कार का पिछला पहिया भी निकाल लिया। आरोप है कि चोरों ने एरिया की कई लग्जरी गाड़ियों के पहिए ऐसे ही चुराए। 5 दिन पहले इस गाड़ी के मूवेबल जो शीशे हैं वो ले गए और हर 5-10 दिन में कुछ ना कुछ चोरी हो जाती है। पहिया चोरी की खबर मिलते ही पूरे एरिया में हड़कंप मच गया। लोग सुबह उठकर अपनी कार के पास पहुंचे तो कार का पहिया गायब था। कई कारों के तो 4 पहिए निकाल लिए गए थे और सभी कारों के नीचे ईंटें लगा दी गई थी। एरिया के लोगों ने चोरी की वारदात के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। पहले यहाँ पर बैरियर लगता था, काफी टाइम से अब बैरियर भी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। लोगों की शिकायत मिलने के बाद सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में वोटिंग से एक दिन पहले मिली आईडी से नक्सलियों की नई साजिश का पता चला है। सुरक्षा बल ने पहली बार खास तरीके से बनी आईडी बरामद की है, जो सीमेंट की मदद से बनाई गई थी। इस तरह की आईडी को कैनन चार्ज आईडी भी कहा जाता है।
सीमेंट से बनी इन आईडी का एक सिरा खुला होता है जिससे किसी खास जगह या गाड़ी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में मदद मिलती है। सुरक्षा बल के हाथ लगी 20-20 किलो की इन तीन आईडी में विस्फोटक पहले से भरे हुए मिले। दावा किया गया है कि नक्सली इन आईडी से सिर्फ डेटोनेटर जोड़कर चुनावों से लौट रही पोलिंग पार्टी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भयानक आग से मरने वालों की संख्या 44 तक पहुंच गई। इसे अमेरिका के इतिहास में सबसे भयंकर आग कहा जा रहा है जिसे बुझाने के लिए 8000 से ज्यादा दमकल कर्मचारी तैनात किए गए जो दिन रात एक कर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। यह आग कैलिफोर्निया के उत्तरी इलाके के ब्यूट काउंटी में लगी जहां आग को रोकने की कोशिश में फायर ब्रिगेड के लोग पेड़ों को भी काट रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जंगल में सड़क के किनारे जली हुई गाड़ियों से 13 डेड बॉडी भी बरामद की गई। As of today, an additional 13 human remains have been recovered, which brings the total number to 42. If I understand, that makes this the deadliest fire in the history of the United States. आशंका है कि जंगल में ऐसी और गाड़ियां हो सकती हैं जिनमें डेड बॉडीज हों। इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान ब्यूट के पैराडाइज कस्बे में पहुंचा, जहां करीब 6,500 मकान और इमारतें आग की चपेट में आ चुकी हैं। इसलिए पैराडाइज कस्बे से 50,000 से ज्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यही हाल कैलिफोर्निया के दक्षिणी इलाके का भी है जहां आग की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। जहां आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई दर्जन गाड़ियां लगाई गईं। फायर ब्रिगेड के लोग खासतौर से सिमी वैली की पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। वहां जिन इलाकों में आग बुझाई जा चुकी है वहां की पहाड़ियां आग की वजह से काली पड़ गईं। लॉस एंजलिस के पास बसे मालिबू शहर में पहाड़ियों के पास बने कई मकान जल गए, वहां भी आग से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह से कैलिफोर्निया की आग में मरने वालों का कुल आंकड़ा 44 पर पहुंच गया। इस बीच पहाड़ियों में 2 नई जगहों पर आग लगने का भी पता चला। वहां प्लेन से केमिकल और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। बिहार में समस्तीपुर के एक गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई घरों को चपेट में ले लिया। घरों से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। आग की वजह से 6 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 14 और 15 नवंबर को बेहद निजी कार्यक्रम में शादी करने वाले हैं। शादी इटली के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट लेक कोमो के एक आलिशान बंगले में होगी। न्यूज 18 की टीम भी लेक कोमो के उस बंगले पर पहुंची जहां दीपिका और रणवीर की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। रणवीर और दीपिका के साथ तमाम मेहमान भी इटली के लेक कोमो पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 की टीम भी लेक कोमो के खूबसूरत विला देल बेल्बियानेलो पहुंची। झील के किनारे बने इस विला में रणवीर और दीपिका चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में शादी के साथ फेरे लेंगे। दोनों के वेडिंग फंक्शन के लिए सजाए जा रहे विला की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। रणवीर और दीपिका का कहना है कि वो इस अवसर को बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहते हैं। इस हफ्ते विया बिब्लियानो को बंद कर दिया गया है विशेष तौर से इस विवाह के लिए। दीपिका और रणवीर की हाई प्रोफाइल शादी की वजह से विला दिल बेल्बियानेलो को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और उसके आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। ये है विया बिब्लियानो जहां पर इनका विवाह होगा दीपिका और रणवीर का, और द्वार पर हम पहुंच गए हैं लेकिन इससे ज्यादा जाने की इजाजत नहीं मिली। विला के साथ दीपिका और रणवीर के होटल रूम की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर इटली के होटल ग्रैंड हायत की है जिसमें दीपिका और रणवीर का रूम लाल गुलाब से सजा दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इटली के लेक कोमो में शादी के बाद दीपिका और रणवीर 28 नवंबर को मुंबई के होटल ग्रैंड हायत में रिसेप्शन देंगे।